हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भालड़ फैमिली। मैं हूँ पायल और मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैस को और परमीत जी को। काफ़ी दिन हो गए थे हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे, परमीत जी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, हल्का सा फीवर था इनको। वैसे तो ठीक है बिल्कुल, वो भी इसलिए हो गया था क्योंकि मैक्रो गए थे एक दिन सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे जो फ्रोजन एरिया होता है वहाँ चले गए और जैकेट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए इनको हल्का सा वहाँ पे ठंड लग गई, तो इनको फीवर था। और जब इनकी हल्की फुल्की तबीयत खराब हो तो इनका फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। वीडियो बनानी थी, मैंने बोला था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, फिर ये बोलते जब मैं थोड़ा सा लिटिल बिट भी जब भी बेटर फील करूँगा तब बनाएंगे। तो फिर आज ऐसे ही डेली लाइफ का चलता फिरता जो भी मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं। और हम आए थे भी जैस को लेकर घूमने के लिए और परमीत जी को भी लेकर आई थी कि थोड़ी बहुत चलते हैं वॉक के लिए। और धूप में बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पे धूप बहुत अच्छी है यहाँ की। अभी स्वीडन से एक फ्रेंड का फोन आया था, स्वीडन में बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती, जैसी यहाँ मिलती है ऐसी नहीं मिलती वहाँ पे। और जैस का शूज निकल गया, क्या हुआ जैस? फ्रेंड्स, आज आए हैं हमारे घर पे राठी भाई, इनकी टीआरसी आ चुकी है और जैस का रेड पासपोर्ट भी आ चुका है, अभी दिखाते हैं आपको। ले भाई, राठी भाई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप ना कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है, दिस इज माय रेजिडेंसी। ये देखो, ये इनकी टीआरसी, काफी टाइम बाद, तीन साल बाद। स्पेशल है ना राठी भैया, इनके सारे काम बहुत स्पेशल होते हैं। जैस का, जैस का पासपोर्ट, जैस का रेड पासपोर्ट, ये जैस का पुर्तगाल पासपोर्ट। तो एक साथ आया, जैस का पासपोर्ट भी आया और राठी भैया की टीआरसी भी आई। और इधर बैठे हैं मोंटी, जेपी भाई के भांजे हैं ये, बहन के बेटे। जेपी भाई को तो सभी जानते हैं। तो ये भी मोंटी, कितनी है जी आपकी? 21 साल का है और जल्दी ही आ गया, इसलिए सोचा इंडिया में क्यों टाइम वेस्ट करूं जॉब के चक्कर में, तो इसलिए जल्दी से जाऊं और 4-5 साल इतना यूरोप में लगाऊं, रेड पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर सेटल्ड हो जाएगा। यही प्लानिंग थी, मैं क्यों टाइम वेस्ट करा, ग्रेजुएशन भी नहीं करी आफ्टर प्लस टू। अच्छा, प्लस टू के बाद ऐसा है कि 12th में तो अच्छे नंबर होंगे, ठीक ठाक होंगे, 63% तो बहुत है। फिर भी इंग्लिश अच्छी है इसकी, है ना? इंग्लिश में कितने थे? इंग्लिश में मेरे 72 नंबर, 72 थे। देखो, इंग्लिश में ठीक थे, इंग्लिश में अच्छे थे, तो ना पता कहां थे। और फ्रेंड्स, अभी भी आई है ये मिठाई,
अभी अभी आए परमीत जी अब्दुल्ला भाई से और उनकी फैमिली से मिलकर, उन्होंने ये मिठाई दी है, तो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई फॉर दिस मिठाई। और फ्रेंड्स ये कुछ सामान पड़ा हुआ है हमारे घर पे, एसी लगने लग रही है इस टाइम। और फ्रेंड्स ये हैं हमारे फ्रेंड्स, मुंबई की हैं ये, और ये बहुत अच्छी थ्रेडिंग करती है। तो जो भी यहाँ पे गर्ल्स हैं जिनको भी चाहिए कि हाँ अच्छी थ्रेडिंग बनवानी है, जैसे मुझसे कईयों ने कमेंट्स में पूछा था कि सैलून का नाम बता दें प्लीज़, तो मैं इनका ही नाम रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने भी खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत ही अच्छी थ्रेडिंग करती हैं ये और बड़ा ही अच्छा है इनका, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इनके साथ थ्रेडिंग से रिलेटेड। और आज मेरी दो फ्रेंड्स और आई हुई हैं इनसे थ्रेडिंग बनवाने के। और फ्रेंड्स ये है यहाँ पर रॉयल गार्ड डे सेरेमनी थी और उसके लिए यहाँ पर परेड हो रही थी जो देखने में बहुत ही अच्छी लगी, और इसलिए हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि आप लोग भी इसे देख सको और एंजॉय करो। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।